दीपिका पादुकोण नो, आलिया भट्ट नो, कैटरीना कैफ नो, ये सारे वो लोग हैं जो इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए नहीं कि ये लोग मुंबई में नहीं होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, इन सेलेब्स के अलावा कुछ और सेलेब्स भी हैं जो भारत में होने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है। देखा आपने, आपको भी लगा ना झटका। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और 7 चरणों में लड़े जाएंगे। पहले चरण के तहत 102 लोकसभा सीटों पर मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को हो चुका है। महाराष्ट्र में पहले 5 चरणों में मतदान होगा। मुंबई में 20 मई को मतदान होने वाला है, जिसमें पूरा बॉलीवुड मौजूद होगा। लेकिन दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के अलावा कुछ और ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपिका पादुकोण से। ग्लोबल आइकन बनी दीपिका पादुकोण भले ही भारतीय माता पिता से जन्मी हो, लेकिन उनके पास पासपोर्ट भारतीय नहीं है, डेनमार्क का है। दीपिका पादुकोण का करियर टॉप पर है और फिलहाल वो अपनी प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है, लेकिन कम ही लोगों को ये पता है कि फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन स्टार प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था और उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। तो वहीं विक्की की जान कैटरीना कैफ के पास भी इंडियन नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिकता है। कैटरीना कैफ का जन्म ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है, जबकि उनकी माँ सुजाना एक ब्रिटिश वकील है। रणवीर कपूर की पत्नी और राहा की मम्मी आलिया भट्ट के पास भी ब्रिटिश नागरिकता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर नोरा फतेही मोरक्को से ताल्लुक रखती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स दोनों मोरक्को से है। हालांकि नोरा फतेही के पास कैनेडाई नागरिकता है। वहीं जैकलीन फर्नांडिस का जन्म बहरीन में हुआ और उनके पास श्रीलंकाई नागरिकता है। ऐसे में ये सारी हसीनाएं वोटिंग वाले दिन क्या करेंगी? आई एम श्योर जिस दिन लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा होगा, उस दिन ये लोग घर में टीवी पर बैठकर सिर्फ मतदान देखेंगी। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।